Hello guys, welcome on my YouTube channel. This is my second video on the active and passive voice. आज अपन सीखेंगे कि active और passive voice के जो examples के जरिए कि किस तरीके से active और passive के questions को अपन solve करते हैं. देखिएगा, मैंने first video में आपको बताया था active और passive के कुछ basic rules थे, वो बताए थे. और उसमें मैंने ये भी discuss किया था कि verb को किस तरीके से change करते हैं. अगर verb active में ये आए तो पैसिव में ये करेंगे. सपोज दैट जैसे एक्टिव में आए फर्स्ट वर्ब तो उसको अपन कर देंगे इज एम आर थर्ड में. एक्टिव में अगर सेकंड वर्ब आई तो वाज वर्ब थर्ड में कर देंगे. एक्टिव में अगर थर्ड वर्ब आई तो उसको बीइंग थर्ड वर्ब में कर देंगे. अगर एक्टिव में फोर्थ वर्ब यानी आईएनजी वर्ब आएगी तो उसको बीइंग थर्ड में कर देंगे. अगर एक्टिव में फिफ्थ वर्ब यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो उसको टू बी थर्ड में चेंज कर देंगे. और अगर एक्टिव में मॉडल आए तो अपन क्या करेंगे, मॉडल भी थर्ड में चेंज कर देंगे. तो देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. उन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्ब को चेंज करते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन चेंज करेंगे. तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, वर्ब. तो ऑब्जेक्ट का अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे. इन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे अ लेटर, अ लेटर. और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या एस और यस, ये एस और यस वाली फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको अपन इस जमाने में चेंज करेंगे. लेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा यहाँ पर. और उसके बाद में अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम में चेंजेस, हिम में चेंज कर देंगे. अब देखिएगा अगला, देखिएगा अ लेटर यहां पर सेम वही हो जाएगा. अ लेटर और वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब थर्ड में अपन चेंज करते हैं. तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम. नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज रिटन अ लेटर यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. देखिएगा कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो सेकंड भी और थर्ड भी एक जैसी होती है, यानी सेकंड और थर्ड वर्ब एक जैसी होती है तो वहां पर अपन को ये अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वर्ब होगी. तो ध्यान रखना कि जो वर्ब सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है तो उसमें अपन को पहचान करने के लिए हैज, है और हैड, ये तीन वर्ड ऐसे आएंगे एक्टिव सेंटेंसेस में जिससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये थर्ड है. ठीक है, अगर हैज है और हैड के साथ आती है तो वो डेफिनेटली वो वर्ब थर्ड ही होगी. तो यहाँ पर देखो हैज के साथ है, ये डेफिनेटली थर्ड ही है. और वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उन वर्ब की जहां पर पता नहीं चलता कि ये सेकंड या थर्ड की, सेकंड जैसे बात करते हैं इनवाइट, तो इनवाइटेड इनवाइटेड, ठीक है, इन फर्स्ट हो गया इनवाइट, सेकंड हो गया इनवाइट इनवाइटेड और थर्ड भी इनवाइटेड हो गई. यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अपन चेंज कर देंगे, थर्ड किस में चेंज होती है, बीइंग थर्ड में. तो यहाँ पर अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया. और यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर के अकॉर्डिंग हैज आएगा क्योंकि हैज क्यों आ रहा है, क्योंकि लेटर सिंगुलर है तो हैज भी यहाँ पर सिंगुलर, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हैव आ जाता. ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर. अब देखिएगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में यानी आईएनजी वाली फॉर्म है. आईएनजी वाली फॉर्म को अपन चेंज करते हैं बीइंग थर्ड में, तो इस राइटिंग का हो जाएगा बीइंग थर्ड. और अ लेटर का लेटर यहां पर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है यहां पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. फिर बात करते हैं, देखिए फिफ्थ पे जो यानी टू इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं अपन, यानी इसको फिफ्थ वर्ब से मैंने बताया कि फिफ्थ वर्ब को अपन कैसे चेंज करेंगे, टू बी थर्ड में चेंज करेंगे. तो यहां पर आ जाएगा अ लेटर हैज, अगर यहां पे प्लूरल होता वही हैव हो जाता, हैज टू बी रिटन बाय हिम. फिर अपन बात करते हैं सिक्स पे, देखिएगा ही कैन राइट अ लेटर यानी ये मॉडल है, तो मॉडल को किस तरीके से चेंज करते हैं, मॉडल आएगा तो मॉडल भी थर्ड में चेंज कर देंगे. तो यहां पर अ लेटर आ जाएगा जो क्या है, ऑब्जेक्ट है. अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम,
यानी जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था, फर्स्ट वीडियो में उसी के बेस पे मैं आपके लिए सेकंड वीडियो में एग्जांपल्स लेके आया था, और इन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझ में भी आ गया मैं किस तरीके से वर्क को चेंज करना होता है। तो अब अपन देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को। तो देखिएगा, देखिए फर्स्ट है सी हैज टू कैरी बैग्स। तो देखिएगा कि उसे बैग्स जो है कैरी करने पड़ते हैं, ठीक है, यहां पे कंपल्शन है वो एक, या फिर टू भी थर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिफ्थ वर्ब है, और फिफ्थ वर्ब को अपन किस तरीके से चेंज करते हैं, टू बी थर्ड। तो यहां पर बैग्स पहले आ जाएगा, बैग्स हैव, यहां पर हैव क्यों आया, क्योंकि हैज सिंगुलर है और बैग्स क्या प्लूरल है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बैग्स हैव टू बी कैरीड बाय हर। नेक्स्ट देखिएगा, देखो माय सिस्टर हेल्प हिम, तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म तो कभी भी अकेले नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी, हैज हैव और हैड के साथ आएगी। तो यहां पर क्या होगा, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माय सिस्टर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड वर्ब है उसको कैसे चेंज करते हैं, वॉज वर्ब थर्ड में, तो वॉज वर्ब थर्ड के अकॉर्डिंग ही वॉज हेल्प्ड बाय माय सिस्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चेंजेस होते हैं एक्टिव से पैसिव में। अब अपन समझते हैं कि पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस आए तो किस तरीके से चेंज करना होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले तो पहचान क्या होती है, कि अपन कैसे पहचानते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप देखिएगा। फर्स्ट टाइप है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो वो उन सेंटेंसेस को अपन चेंज करेंगे, यानी पैसिव में लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शट द विंडो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, टीच हर, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बनाएंगे ओपन द डोर को, तो ओपन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने बताया था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पर यू जो यहां पर हिडन होता है, छिपा होता है, तो देखिएगा द डोर है, यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, द लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं शट द विंडो पे, देखिए तो द विंडो ऑब्जेक्ट है, शट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो क्या आएगा, लेट द विंडो बी शट। फिर बात करते हैं टीच हर पे, देखिए टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हर ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो क्या करेंगे, लेट द ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां पर, हर, फिर उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो लेट हर बी टॉट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं सेकंड टाइप जो इंपरेटिव का, क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये इंपरेटिव है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना नेगेटिव होगा इंपरेटिव तो डू नॉट से स्टार्ट होगा, जैसे डू नॉट
क्लोज द डोर, इंपरेटिव में। अब बात करते हैं नेगेटिव पर, तो क्या करेंगे इंपरेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में देखिएगा डू नॉट क्लोज द डोर, तो ये इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें किस तरीके से चेंज करते हैं, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई इसको किस कौन से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म में, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म में, और या ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, क्या करेंगे लेट नॉट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना कि दो तरीके इसके, फर्स्ट वाला सेकंड वाला ज्यादा अच्छा ये रहता है, तो आप इसी में चेंज करना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, देखिए लेट ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, द डोर, लेट द डोर, ठीक है, नॉट बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी क्लोज की, क्लोज्ड, लेट द डोर नॉट बी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे वही लेट टेल अ लाई, ये अ लाई क्या है ऑब्जेक्ट है, लेट अ लाई, फिर क्या करेंगे नॉट बी टॉल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इंपरेटिव नेगेटिव को चेंजेस करते हैं। तीसरा टाइप अपन देखते हैं कि लेट वाले जो सेंटेंसेस है उसको किस तरीके से, यानी एक्टिव में लेट वाले जो सेंटेंसेस है उसको पैसिव में अपन किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखिए थर्ड है लेट ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे लेट हर प्ले, इस टाइप के सेंटेंसेस को यानी अपन जब कन्वर्ट करते हैं तो ये जो लेट की जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेट की थर्ड फॉर्म होती है शुड बी अलाउड टू, क्या वर्ब होगी लेट की थर्ड फॉर्म, शुड बी, लेट की थर्ड फॉर्म होगी शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू। तो ध्यान रखना शुड बी अलाउड टू लेट की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट बना देंगे, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा लेट हर प्ले, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है तो यानी जो हर है, ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा सी, यहां पर क्या हो जाएगा सी, सी शुड बी, सी शुड बी अलाउड टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, तो देखिए यानी वही लेट की थर्ड फॉर्म शुड बी अलाउड टू, तो यहां पर क्या करेंगे तो, और ही का क्या कर देंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही शुड बी अलाउड टू स्लीप,